हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेट लैब। आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीएसएम मोड पे अपना काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया जॉब बनाता हूँ, न्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे एक नया जॉब बना लूँगा। अभी मैं इसका नाम डेमो देता हूँ, डेमो टू। इसके बाद यहाँ पे आपका जो जोन है उसको सिलेक्ट करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, यूजर डिफाइन पे जाइए, यहाँ पे प्री डिफाइन पे जाइए, नीचे आइए और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कॉन्टिनेंट है पहले उसको चूज कर लीजिए, वेस्टर्न एशिया अगर आप इंडिया में हैं तो, और कंट्री को इंडिया चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जोन सेट करना रहेगा। यहाँ पे अभी मैं सपोज महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 43 इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ओके कर दूँगा, इसके बाद ऊपर अप्लाई कर दूँगा, इसके बाद यहाँ पे नीचे ओके करूँगा। हमारा जो यहाँ पे मैं अभी अपने बेस को कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं कनेक्ट पे जाऊँगा। जो हमारा बेस है उसका सीरियल नंबर जो रहेगा उसको क्लिक करके यस करूँगा, इसके बाद ये अभी कनेक्ट होगा और यहाँ पे हमारा जो बेस है वो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से कुछ इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे डाटा लिंक में आपको इंटरनल जीएसएम रखना है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आप चूज कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें रहती हैं, एक सेट बाई एवरेज, दूसरा सेट बाई पॉइंट। तो यहाँ पे अभी मैं सेट बाई एवरेज करके आपको बता रहा हूँ, इसके बाद सेट बाई पॉइंट कैसे करेंगे इसको भी बताता हूँ। तो यहाँ पे आपका सेट बाई एवरेज रहेगा, सेफ पोजीशन, यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए, टारगेट हाइट में आप जो पट्टी से नीचे का जो पॉइंट है वो टारगेट हाइट आप डाल दीजिए। यहाँ पे करेक्शन टाइप में आरटीसीएम 3.2, एलिवेशन मास्क में 15, सर्वर में सेट लैब रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आईपी रहता है, यहाँ पे 202.96.185.34 रखेंगे। इसके बाद जो पोर्ट में हम 9000 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप टाइप आता है, ग्रुप टाइप आने के बाद यहाँ पे बाई बेस स्टेशन सीरियल नंबर रखेंगे। तो यहाँ पे जो बेस का सीरियल नंबर रहेगा वो हम यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद एडवांस कंफिग में आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले नेटवर्क एंटीना में हमको इनर एंटीना रखना है और इसके बाद नेटवर्क में GPRS रखना है और नेटवर्क टाइप में हमको यहाँ पे प्रेफर 4G रखना है। APN में अभी मैंने जियो का सिम लगाया तो जियो नेट डाला हुआ है और अगर आप एयरटेल का लगाते हैं तो airtelgpra.com पूरा इस्तेमाल में रहेगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी इसको सेट कर देता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे जो बेस है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। इसके बाद मैं बैक करूँगा, डिवाइस में आऊँगा, डिवाइस में आने के बाद मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं ऊपर से बैक करूँगा, रोवर में आऊँगा, रोवर में आने के बाद यहाँ पे मैं रोवर का सीरियल नंबर है उसको कनेक्ट करूँगा। अभी यहाँ पे हमारा जो रोवर है वो कनेक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा, यहाँ पे डाटा लिंक में आपको इंटरनल जीएसएम रखना है, सर्वर में सेट लैब रखना है, आईपी में 202.96.185.34 रखना है, पोर्ट में 9000 रखना है और यहाँ पे अगर आपका बेस का सीरियल नंबर यहाँ पे नहीं शो करता है तो आपको यहाँ पे बेस का सीरियल नंबर आपको डाल देना है। अभी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ग्रुप टाइप में बाई बेस स्टेशन सीरियल नंबर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे एडवांस कॉन्फिग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका नेटवर्क एंटीना, इनर एंटीना, नेटवर्क GPRS, नेटवर्क टाइप प्रेफर 4G और APN में जियो नेट। अगर आपने सपोज रोवर में एयरटेल का लगाया है तो आप यहाँ पे airtelgpra.com लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, हमारा ऑलरेडी RTK आ चुका है और अभी मैं यहाँ पे अपना सर्वे काम स्टार्ट कर सकता हूँ। अभी मैं इंटरवल यहाँ पे 1 सेकंड दे देता हूँ और सेकंड में ये कॉल करता रहेगा। आपको अगर इसको रोकना है तो आप इसको रोक भी सकते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि आप इसमें सेट बाई पॉइंट कैसे करेंगे। तो आप डिवाइस में आएंगे, डिवाइस में आने के बाद यहाँ पे आप इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से ऊपर से आपको बैक करना है, सबसे पहले आपको बेस में जाना है। बेस में जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको बेस को कनेक्ट करना है, तो बेस वाले सीरियल नंबर पे आपको क्लिक करना रहेगा। अभी यहाँ पे अगर सेट बाई पॉइंट करना है, अभी मैंने जो सर्वे किया है, अभी यहाँ पे मैंने मशीन लगाया था वहीं पे मैं आपको सेट बाई पॉइंट भी करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एनी डेट,
और इसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही यही रहेगा जो आपने ऑलरेडी डाला हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंगल भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आप इसको सेट कर दीजिए। इसके बाद मैं ऊपर से बैक करूँगा, डिवाइस में आऊँगा, इसको डिसकनेक्ट कर दूँगा। हमारा वेस्ट जो है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। अभी हम बैक करेंगे ऊपर से और रोर में जाएंगे, रोर को कनेक्ट करेंगे। रोर में जाने के बाद यहाँ पे आरटीके का साउंड आ गया है, आप ऊपर से बैक कर लीजिए। अगर आपको सेट करना है तो सेट पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब आरटीके का साउंड आ जाता है तो हमको रोर को सेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप रोर को ही सेट करके ना करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा। अभी ऊपर से बैक कर देता हूँ, सर पे मैं आऊँगा, डिटेल सर पे। यहाँ पे मैं ऑटो वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, 1 सेकंड का मैंने एंटर पर रखा। इस प्रकार से आप सेट बाई पॉइंट भी करेंगे। अगर आपको दूसरा तो आपको के भी सेट बाई अपना जिसमें वर्क कर सकते हैं। आई वीडियो समझ होगा।